हम देखने वाले हैं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल किसे कहते हैं। देखिए, हमारे एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है सेडविक। ये साइंसदान है, ये साइंटिस्ट ने ये बताया कि कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कब बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, कब वो बहुत ज्यादा क्याम पजीर होते हैं, तो उसकी स्टेबिलिटी को बयान करने के लिए सेडविक ने एक रूल बताया और वो रूल में उन्होंने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का इस्तेमाल किया है। पहले हम ये देख लेते हैं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं और फिर हम ये देखेंगे कि स्टेबिलिटी को सेडविक ने किस तरह से बयान किया है। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम के अतराफ, उसके अराउंड जितने भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, वही इलेक्ट्रॉन की तादाद को हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। सेंट्रल मेटल आयन के अतराफ मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद को ही, उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन वहां मौजूद है उसकी नंबर को ही, उसकी तादाद को ही हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं सेंट्रल मेटल आयन हूं और मेरे एतराफ में टोटल, मेरे जो अराउंड में टोटल 34 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो आप कहोगे मेरा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या जो है मेरा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है, 34 है ना। तो अब किसी भी कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मतलब जो सॉरी किसी भी कॉम्प्लेक्सेस में जो सेंट्रल मेटल आयन होता है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन किस तरह से आप मालूम करोगे, है ना, उसको मालूम करने का एक फॉर्मूला है, यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को मालूम करने का एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है जेड माइनस एक्स प्लस वाई। देखिए, जेड जो होता है हमारा जो सेंट्रल मेटल आयन है, उस सेंट्रल मेटल आयन का एटॉमिक नंबर, उस सेंट्रल मेटल आयन का एटॉमिक नंबर, तो सेंट्रल मेटल आयन के एटॉमिक नंबर को ही हम Z से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ X क्या है, ये X है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMI, जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन है, जो सेंट्रल मेटल आयन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, वही जो है उसके अंदर से, मतलब जो हमारा एटॉमिक नंबर है उसमें से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम माइनस कर देंगे। ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों आई है, जैसे मिसाल के तौर पर आयरन है, आयरन के ऊपर +3 है, तो उसके ऊपर +3 चार्ज क्यों आया है, क्योंकि उसने 3 इलेक्ट्रॉन को दे दिया, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन को दिया, और जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन को दे दिया उसी की वजह से, उसके वजह से उसी के ऊपर +3 चार्ज आया है, है ना। जैसे मिसाल के तौर पर आयरन के पास 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसने जो है 3 इलेक्ट्रॉन को दे दिया, तो उसी की वजह से प्लस चार्ज आया, तो उसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो बताओ बचे कितने उसके पास इलेक्ट्रॉन, 23 इलेक्ट्रॉन बचे, है ना। तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचे, वही तो हम निकाल रहे हैं, तो उसके अंदर उसी लिए हमको क्या करना होगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को माइनस करना होगा। तो अब हम आगे देखते हैं, अब यहाँ वाई क्या है, यहाँ वाई है जो लिगेंड है, वो लिगेंड्स जो उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, है ना। देखो मैं मिसाल के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आपको समझ में आया तो समझने की कोशिश करो। मेरे पास टोटल पैसे थे, टोटल मेरे पास रुपये थे 28 रुपये, प्रोसेस को ध्यान रखो, मेरे पास कितने रुपये थे, टोटल 28 रुपये थे, ठीक है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मुझे एक फकीर नजर आया, कौन नजर आया, फकीर नजर आया, मैंने फकीर को 2 इलेक्ट्रॉन, 2 जो रुपये थे मेरे पास, 2 रुपये वो मैंने फकीर को दे दिए, ठीक है। फिर मैं और आगे बढ़ा तो मुझे मेरा भाई मिला और मेरे भाई ने मुझे 8 इलेक्ट्रॉन जो है 8 रुपये दिए। अब मैं घर पर आऊं तो बताओ मुझे, मेरे पास कितने रुपये हो गए, कितने हो गए, कैसे निकालोगे जी, तो मेरे पास कितने रुपये थे, 28 रुपये थे, है ना।
फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने क्या किया, फकीर को दे दिया, कितना दिया, 2 रुपया दिया, तो आप क्या करोगे, 2 रुपये माइनस करोगे। फिर मैं आगे बढ़ा तो क्या हुआ, मुझे रुपये दिया, किसने दिया, मेरे भाई ने दिया, कितने रुपये दिया, 8 रुपये दिया, तो मैं क्या करूंगा उसमें, 8 रुपये प्लस कर दूंगा, है ना। अब बताइए क्या आंसर आएगा इसका, 26 + 8 = कितना होगा बताइए, 34, है ना। तो मेरे जब मैं घर पर चला जाऊं तो घर पर मेरे कितने रुपए जो है, घर पर पहुंचने के बाद मेरे पास कितने रुपए हो गए, 34। ये वैसे ही है कि जो है सेंट्रल मेटल आयन के उसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स कितने थे उसके पास, फिर उसने कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, और फिर लिगेंड्स जो थे उन लिगेंड्स ने कितने इलेक्ट्रॉन इसको दिए। तो ये जो वाई होता है, यही वाई होता है कि लिगेंड ने इसको कितने इलेक्ट्रॉन दिया, और हर लिगेंड जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। हर लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे हम वाई से, और एक बात याद रखेंगे, हर लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, हर लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ये बात आप याद रखोगे, ठीक है। चलो मिसाल को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको जो है इसका, इस कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। देखिए यहाँ अगर इस कंपाउंड का आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है तो आपको एक बात निकालना पड़ती है, और वो क्या है, वो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन निकालना बहुत जरूरी होता है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर उसका निकाल रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, उस कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल आयन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, उसको निकालना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। तो चलिए निकाल कर देखते हैं, सबसे पहले हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो बताइए यहाँ कोबाल्ट, यहाँ जो कोबाल्ट है, ये कॉम्प्लेक्स जो है वो इस तरह का है, ठीक है, इस तरह का कॉम्प्लेक्स है। तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर आपको जो है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेंट्रल मेटल आयन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे हम। तो बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट क्या होगा, पूरे पे चार्ज कितना है, +3, माइनस लिगेंड पे चार्ज, पूरे पे चार्ज मतलब जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज माइनस लिगेंड पे चार्ज, लिगेंड कितने हैं, 6 लिगेंड है, कौन है लिगेंड, वो 6 लिगेंड है NH3, और हर NH3 पे चार्ज कितना होता है, 0 होता है। तो ये हो जाएगा +3 - 0 = हो गया +3, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन है +3। बोलो समझ में आ गया, ठीक है। अब बताइए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम किस तरह से निकालेंगे। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है Z - X + Y। अब इसका एटॉमिक नंबर Z जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है, ये आपको मैंने जो डी ब्लॉक एनालिसिस पढ़ाया था, तो डी ब्लॉक एनालिसिस के अंदर आपको ये भी बताया था, जितनी भी जो हमारा 3D सीरीज है ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, इनकी एटॉमिक नंबर भी आपको याद करवाया था। तो बताइए कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर वो कितना है, 27। तो ये हो गया इसका 27 एटॉमिक नंबर। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को माइनस कर देंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है, 3। अब बताइए लिगेंड कितने हैं, 6 लिगेंड है, हर लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, हर लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, हर लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा, मतलब हर जो 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 है लिगेंड बोले तो देखो एक बात और याद रखेंगे, लिगेंड नहीं देखेंगे हम, जो इसके इससे जुड़ा जो एटम होता है ना, डोनर एटम, ठीक है। तो डोनर एटम जो है वो हर डोनर एटम 2 इलेक्ट्रॉन देता है। यहाँ NH3 कितने हैं, जो लिगेंड है वो कितने हैं, 6 जो है यहाँ, कितने जो यहाँ लिगेंड है, 6 लिगेंड यहाँ मौजूद है, और हर लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, हर उसके पास जो डोनर एटम वो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, 6 × 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना, 1 लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 लिगेंड 12 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो गए। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर, 24 + 12 = 36।
ग्लो इफेक्ट या एटॉमिक नंबर निकाल कर आ गए हैं। हाँ, अब सैडविक ने जो रूल बताया है वो रूल भी सुन लीजिए। सैडविक अंकल ने ये रूल बताया है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर नोबेल गैस जो ऑर्गन क्रिप्टॉन ज़ेनॉन रेडॉन जो जो हमारी नोबेल गैसेस हैं उसके एटॉमिक नंबर के बराबर आता हो तो वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है। वो कॉम्प्लेक्स कैसा होता है? स्टेबल होता है, कायम पजीर होता है। तो या तो जो है उसका किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो या तो 36 होना चाहिए ऑर्गन के एटॉमिक नंबर के बराबर होना चाहिए या क्रिप्टॉन के एटॉमिक नंबर या तो ऑर्गन के एटॉमिक नंबर के बराबर होना चाहिए या क्रिप्टॉन के एटॉमिक नंबर के बराबर होना चाहिए या ज़ेनॉन के एटॉमिक नंबर के बराबर होना चाहिए। अगर इनके एटॉमिक नंबर के बराबर मतलब जितनी भी नोबेल गैसेस हैं उनके एटॉमिक नंबर के बराबर अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ रहा है तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है। तो बताइए ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है हमारा जो मैंने हमने जिसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाला है वो कितना आया है? 36 आया है। तो क्या वो किसी नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर है? हाँ, क्रिप्टॉन के एटॉमिक नंबर के बराबर है। तो हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा होगा? स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, यहाँ एक दूसरा कंपाउंड नजर आ रहा है, इसकी जो है हमको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। तो बताइए कैसा निकालोगे? तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो चलिए देखते हैं। तो बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन कितनी होगी बताइए? टोटल चार्ज पूरे पर जो कॉम्प्लेक्स पर जो चार्ज है वो चार्ज कितना है? -4। अब बताइए माइनस क्या करते हैं हम? लिगेंड के जो चार्जेस होते हैं उसको माइनस कर देते हैं। माइनस क्या होगा? 6 CN है, 6 CN। बताइए -4 -6। 1 CN पे चार्ज कितना होता है? -1 होता है। तो 6 CN पे चार्ज कितना होगा? -6। तो कितना हो जाएगा ये? -4 + 6 = 2, है ना। तो हमारा जो सेंट्रल मेटल आयन है जो CMI है उसके ऊपर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उस पर चार्ज कितना है? +2 चार्ज है। तो हमको चार्ज मालूम हो गया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमको मालूम हो गया। अब इसको इस कॉम्प्लेक्स का हमको क्या निकालना है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। तो क्या है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू है Z - X + Y, है ना। Z क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन कितना है? 26। माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है? 2 आई है। प्लस लिगेंड, लिगेंड कितने हैं? 6 लिगेंड है। हर लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा? देखो डोनर एटम, देखो हर लिगेंड के पास एक ही डोनर एटम है ना, तो हर डोनर एटम कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2 ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो हर डोनर एटम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, टोटल 6 डोनर एटम है, तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? टोटल 12, है ना। अब बताइए क्या हो गया? 26 + 2 = क्या हो गया? क्या हो जाएगा? 24 + 12 कितना हो गया? 36, है ना। तो इस कॉम्प्लेक्स पर भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आया है? 36 आया है। तो ये सिडविक अंकल के मुताबिक, जो साइंटिस्ट है उनके मुताबिक, ये कॉम्प्लेक्स भी कैसा होगा? स्टेबल कॉम्प्लेक्स ही होगा, ये भी कॉम्प्लेक्स कायम पजीर होगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन क्या होगी? लिखता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन Fe इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हो जाएगा -3 पूरे पे चार्ज, -3
माइनस लिगेंड कितने हैं, 6 सी एन है, इज इक्वल माइनस थ्री, सॉरी माइनस थ्री माइनस माइनस सिक्स है ना, एक सी एन पे चार्ज माइनस वन, छह सी एन पे चार्ज माइनस सिक्स, इज इक्वल टू हो गया आपका माइनस थ्री प्लस सिक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री है ना। तो हमारा जो यहाँ आयरन है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, प्लस थ्री आई है। अब बताइए इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसा कैसा निकालेंगे आप, तो चलिए देखते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एटॉमिक नंबर मतलब जेड माइनस एक्स प्लस वाई। बताइए जेड कितना है, 26, एटॉमिक नंबर 26 माइनस एटॉमिक नंबर इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले वो कितनी आई है, प्लस थ्री, प्लस लिगेंड कितने हैं, छह, डोनर एटम कितने हो गए, छह, मोनोडेंटी लिगेंड है तो डोनर एटम भी छह, तो छह दुनी बारह, हर लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो छह दुनी बारह, तो बारह इलेक्ट्रॉन हो गए, तो टोटल कितना हो गया, 23 प्लस 12 इज इक्वल टू 35। देखिए यहाँ जो इसका एटॉमिक नंबर आया है वो कितना आया है, 35 आया है, जबकि जो नोबल गैस है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 36 होता है ना। तो इसीलिए ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है हमारा, ये वाला कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं होगा, ये गैर कैम पजीरे नॉन स्टेबल कंपाउंड है ना, बहुत ज्यादा लेस स्टेबल ये कंपाउंड होगा, क्योंकि इसका इसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं है, या जो जो सेंट्रल मेटल आयन है उसके अतराफ में जो इलेक्ट्रॉन है वो नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं है, है ना। तो ये जो है उसके बराबर आना चाहेगा, उसके लिए वो कुछ भी करेगा फिर, या तो जो है इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेगा, जिसकी वजह से वो कैसा हो जाएगा, नॉन स्टेबल कंपाउंड वो हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट कंपाउंड जो है वो आप निकालकर आप खुद देखें। ये वाला कॉम्प्लेक्स आप खुद निकालोगे, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको जो है खुद ट्राई करें, ठीक है। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।